गिराई जा रही सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर बनी इमारत का दूसरे दिन गिराने का कार्य रहा जारी। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद के निर्देश पर चित्रकूट क्षेत्र विशेष प्राधिकरण ने जिला मुख्यालय में बस स्टैंड रोड में रामनाथ रामकिशुन धर्मशाला के आगे स्कूल संचालक अशोक गुप्ता की सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर बनाई 5 मंजिल इमारत को गिराया जा रहा है। दूसरे दिन भी इमारत गिराने का कार्य जारी रहा। रविवार को भी चित्रकूट क्षेत्र विशेष प्राधिकरण के जेई आनंद प्रकाश द्विवेदी ने सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर बनाई अशोक गुप्ता की 5 मंजिल व्यवसायिक इमारत को गिराने का सिलसिला जारी रखा। ये इमारत घरेलू नक्शा लेकर बनाई गई थी। इस इमारत का 2 मंजिल का नक्शा प्राधिकरण से मंजूर कराया गया था। 2 मंजिल की जगह 5 मंजिल इमारत बिना नक्शे के खड़ी कर ली गई। इस दौरान प्राधिकरण ने कई बार अशोक गुप्ता को नोटिस जारी की, लेकिन नोटिस को कोई तवज्जो नहीं दी गई। इसके चलते उसने सुरक्षा मानकों को दरकिनार कर 5 मंजिल इमारत खड़ी कर ली। यहां तक कि ये इमारत जिलाधिकारी आवास से कुछ ही दूरी पर है, इससे गोपनीयता भंग होती है। यहां तक कि इमारत से कोई भी आतंकी जिलाधिकारी आवास को निशाना बना सकता है। ये पानी की टंकी का गिर गया है, लिफ्ट मशीन रूम का गिर गया है और एक फ्लोर और गिरना है। फ्लोर हमने तोड़ दिया, नहीं ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जिनके पास है, इसके बाद एक फ्लोर और है, बाकी उसके ऊपर जो भी था हमने तोड़ दिया। आप पानी की टंकी और मशीन रूम और एक फ्लोर। अच्छा, नहीं ध्वस्तीकरण क्षतिग्रस्त में ये है कि ध्वस्तीकरण तो तब होता है अगर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पर रहता है तो जो जेसीबी मशीन से हम काम कार्रवाई करते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, या मशीनों से कार्रवाई और हैमर से कार्रवाई हो रही है, इसलिए पहले उसको क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। जब लोड कम हो जाएगा तब उसके बाद से और देखिए, अब डेट एक्सटेंड करेंगे, डेट आज ही तक था कार्रवाई के लिए, और डेट एक्सटेंड करके जब अप्रूवल मिल जाता है तब उसके बाद क्योंकि आज से काम बंद नहीं जाता जी, आज तक क्या ही था डेट हमारा। ये अवैध बिल्डिंग जिसकी होगी वो गिरेगी, जो अवैध है वो गिरना चाहिए, लेकिन अगर अवैध देखा जाएगा तो मुझे लगता है पूरा शहर अवैध होगा। इसका मतलब इसलिए जो अवैध है उसको गिरना है, लेकिन जो आजादी के समय के बनाए भवन है उनको नहीं, जो बाद में बनाए गए हैं उनको अवैध, जहाँ जब यहाँ पर प्राधिकरण जब बनाया तब से जितने अवैध बना लिया अवैध, और अगर कहीं से कोई बोर्ड का स्टे विस्टे ले आएगा तो रोकेगा। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा, हमारे यहाँ माइनर ओटी इमरजेंसी आईसीयू पीआईसीयू एनआईसीयू सभी प्रकार के सिटी स्कैन एक्सरे अल्ट्रासाउंड अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब प्राइवेट एवं जनरल वार्ड डीलक्स रूम महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा आंखों का ऑपरेशन दांतों का उपचार सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित दर पर दवाइयां 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।